अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। आज इंडिया को आज़ाद हुए 70 साल हो चुके हैं और इतने दुनिया में जो इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, 70 साल आज़ादी को होकर भी आज हम जो है वो सिटीजन्स नहीं कहलाए जाते हैं इंडिया के। हमें अपनी नागरिकता को जो है वो प्रूव करना होगा गवर्नमेंट को। सो दिस इज़ शेम ऑन अस, शेम ऑन दिस गवर्नमेंट एज वेल कि 70 साल आज़ादी होने के बावजूद, और आज ही के दिन था 26 जनवरी 1950 को जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिखा गया था। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था और इस कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा गया था कि हर धर्म के लोग इंडिया में जो है वो रह सकते हैं। और धीरे धीरे करके इस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो है वो खिलवाड़ किया गया, सबसे पहले ट्रिपल तलाक, फिर उसके बाद 370 आर्टिकल, और अब जो है वो ये NRC और CAB सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो था, CAA बन चुका है, अब ये एक्ट बन चुका है। तो मुझे ये जानना है, मुझे ये सवाल करना है तमाम लोगों से और BJP के दो बड़े नेताओं से, नरेंद्र मोदी और अमित शाह से, कि आज 70 साल बाद देश को आज़ाद हो चुके, 70 साल हो चुके हैं, फिर भी आपके हिसाब से हम सिटीजन्स नहीं हैं। वी हैव टू प्रूव आवर सेल्फ एज अ सिटीजन्स। तो ये चीज़ जो है वो सही नहीं है। हिंदुस्तान आज़ाद था, हिंदुस्तान आज़ाद है और हिंदुस्तान आज़ाद रहेगा। उसी तरीके से मुसलमान जो है वो हमेशा से हिंदुस्तान में था, अभी है और हमेशा से हिंदुस्तान में रहेगा। जिस तरीके से हिंदू जो है वो इस जो है वो धरती पर रहने के लिए काबिल है, उसी तरीके से मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, दलित, जितने भी जो है वो समाज है, जितने भी माइनॉरिटीज़ है और मेजॉरिटीज़ है, सब जो है वो सबको रहने का इस धरती पर जो है वो हक है। क्योंकि जितने भी लोग थे इंडिपेंडेंस डे के टाइम पे जो है 1947 में, जितने भी लोग थे, खाली हिंदुओं ने जो है वो हिंदुस्तान को आज़ाद नहीं किया था, मुसलमानों का खून भी मिला है इस मिट्टी में, मुसलमानों का, क्रिश्चियंस का, सिख का, सबका खून मिला है। हमने जिन्ना की जो हम जिन्ना ने जब कहा था कि पाकिस्तान बनाएंगे या अलग अलग देश बनाएंगे, हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। हम क्यों एक्सेप्ट करें? लाल किला, ताजमहल हम कैसे छोड़कर जाए ख्वाजा गरीब नवाज को? हम नहीं छोड़कर जा सकते। हम हिंदुस्तान के निवासी थे और हम हिंदुस्तान के निवासी हमेशा थे और है और रहेंगे। तो मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है, NRC और CAA जो बिल जिसमें सिर्फ माइनॉरिटीज़ मुस्लिम्स को जो है वो इंक्लूड नहीं किया गया था, इस बिल को रद्द किया जाए। एंड वी बॉयकॉट NRC, वी बॉयकॉट CAA, हमें इंडिपेंडेंटली रिपब्लिकली जो है वो रहने दिया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अनकॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो बिहेव किया जा रहा है वो ना किया जाए। मेरी दरख्वास्त है तमाम लोगों से, और मेरे इस वीडियो को सबसे जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट कीजिए। और एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों को लग रहा होगा कि कुछ लोगों को ये लगता है कि मुसलमानों के दिल में जो है वो पाकिस्तान के लिए, अफगानिस्तान के लिए या जितने भी दूसरे मुस्लिम मुल्क के लिए जो है वो मोहब्बत है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें सबसे पहले अपने देश के लिए मोहब्बत है। एक हदीस में आप लोगों को सुना देता हूँ, हम लोगों की हदीस है जिसमें हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि देश से मोहब्बत होना ईमान का सबसे बड़ा सबूत है। अगर कोई ईमान वाला है उसका सबूत ही यह है कि वो उसको अपने देश के लिए मोहब्बत हो। तो मुझे अपने देश से मोहब्बत है और जितने भी मुसलमान हैं मैं जानता हूँ उन्हें भी जो है वो हिंदुस्तान से मोहब्बत है। और एक शायरी के साथ जो है वो मैं अपना ये वीडियो को ख़त्म करना चाहता हूँ। सभी का खून है शामिल इस मिट्टी में, सभी का खून है शामिल इस मिट्टी में, ये हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।